हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उम्मीद है कि आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे, कुशल होंगे अपने घरों पे। तो आज फिर हम आपके सामने ये लेकर आए हैं बीटा फंक्शन से एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम लोग दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कैलकुलस को स्टडी कर रहे हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरियस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, लाइक मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज इन द गाइडलाइन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस दीज टू क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू एक्सप्रेस द इंटीग्रल गिवन एट द लेफ्ट हैंड साइड एज बीटा फंक्शन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी ऑल्सो एंड हेयर यू हैव टू मेक ए केयरफुल सब्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट वी विल ब्रेक दिस इंटीग्रल एज आई 0 to 1 x raised to power m minus 1 minus x raised to power n minus 1 divided by a plus b x raised to power m plus n dx। तो जस्ट अभी हमने क्या किया, स्टेटमेंट को ही लिखा है। अब देखिए आप इसको ब्रेक करेंगे कैसे, 0 to 1 एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन। ओके, तो सेम पावर जो है, आप ये जो ए प्लस बी एक्स है यहां से भी आप सेम पावर बाहर निकाल लीजिए, ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और सेम जो पावर है फिर आप यहां से ब्रेक कर लीजिए, ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। और देखिए ऐसा करने से आपने एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन, इट मीन्स एम प्लस एन माइनस टू पावर आपने यहां से रिमूव कर दिया, तो क्या रहेगा, रिमेनिंग वाज डी एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहां से ही आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी शुड मेक। ओके, नाउ अगेन वी राइट दिस एज 0 to 1 एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, एंड सिमिलरली 1 माइनस एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड डी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट सब्स्टिट्यूशन विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स, सो पुट एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स। सपोज इसको अगर हम जेड पुट करें तो देखिए ये कैसे वर्क करेगा। देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे देखिए एक्स को जीरो पुट करेंगे तो जेड जीरो हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू जीरो। बट इफ आप एक्स को वन पुट करेंगे तो देखिए एक्स को वन पुट करेंगे तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रहेगा 1 ओवर a प्लस बी। तो इसी वजह से आपको यहां पर ये एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ेगा जेड ओवर ए प्लस बी, जिससे कि जब आप एक्स को वन पुट करें तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाए, जेड ओवर ए प्लस बी, एंड देयरफॉर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल मीन्स 0 to 1। सो ये मैंने आपको रीजन बताया क्यों हमने इस तरह से सब्स्टिट्यूशन किया। ओके, तो इट मीन्स आपने ये सब्स्टिट्यूशन करना एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जेड ओवर ए प्लस बी, ऐसा करने से जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 to 1 रहेगी। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर सेपरेटली। तो सबसे पहले हम यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस इक्वेशन को बोथ साइड। ओके, सो क्वोशेंट रूल लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर, ए प्लस बी एक्स एज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स एज इट इज
द डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी एक्स इज बी एंड हेयर यू हैव डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इज द कॉन्स्टेंट सो द डिफरेंशिएशन विल बी डी जेड ओवर ए प्लस बी नाउ सिंप्लीफाई दिस सो बी एक्स कैंसल विद बी एक्स सो वट वी हैव ए ओवर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर ए प्लस बी और यू कैन से दैट डी एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू डी जेड ओवर ए इंटू ए प्लस बी कॉल दिस इक्वेशन वन कॉल दिस इक्वेशन टू ओके नाउ व्हाट वी विल कैलकुलेट दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट सो फर्स्ट नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई द इक्वेशन वन इक्वेशन वन हैज x over a plus bx is equal to hz over a plus b. Now cross multiply this one. Okay, so what we have a plus b into x is equal to az plus bzx. So you can separate the value of x as a plus b minus bz x is equal to az. Okay, and this implies x is equal to a z over a plus b minus b z okay now we will use this value of x to calculate 1 minus x over a plus b x now put the value of x here 1 minus what is the value of x x is a z over a plus b minus b z divided by a plus b again put the value of x a z over a plus b minus b z okay now just simplify this take LCM a plus b minus bz in the numerator minus az divided by cross multiply this a with a plus b minus bz what you have a square plus ab minus abz and plus abz because this a plus b minus bz and a plus b minus bz get cancelled so what we have a plus b minus a plus b times z in the numerator and in the denominator but we have abz cancelled with abz a into a plus b now you can cancel a plus b from the numerator and denominator if you cancel a plus b from the numerator and denominator but you have 1 minus z over a so this is very important step to calculate the value of this integral So call this 3. So now what we do? We substitute the value of 1, 2 and 3 in the given integral. So rewrite the given integral again. I is equal to 0 to 1. What was the integral? X over a plus bx raised to power m minus 1. And secondly, we have 1 minus x over a plus bx raised to power n minus 1. And here we have dx over a plus bx square. So, हमने क्या किया? हमने एक बार फिर से integral को लिख लिया. और देखिए यहाँ से हमने जो calculate, जो substitution किए थे, x over a plus bx. इसको हमने put किया था z over a plus b और यहां से हमने कैलकुलेट किया 1 माइनस एक्स ओवर a प्लस बी एक्स दैट वाज 1 माइनस जेड ओवर a और थर्डली हमने कैलकुलेट किया था dx ओवर a प्लस बी एक्स
होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास डी जेड ओवर ए इंटू ए प्लस बी। तो ये सभी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें आई इंटीग्रल में, सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल रिमेन 0 to 1। सो दिस इज जेड ओवर ए प्लस बी रेज टू पावर एम माइनस वन, एंड दिस इज 1 माइनस जेड ओवर ए रेज टू पावर एन माइनस वन, एंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर इज डी जेड ओवर ए इंटू ए प्लस बी। नाउ सिंप्लीफाई फर्दर, सो इंटीग्रल 0 to 1 जेड रेज टू पावर एम माइनस वन, 1 माइनस जेड रेज टू पावर एन माइनस वन डी जेड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी रेज टू पावर एम माइनस वन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी इंटू ए। नाउ यू कैन कंबाइन द सेम पावर्स, सो व्हाट वी हैव 1 ओवर ए प्लस बी रेज टू पावर एम आउटसाइड एंड ए रेज टू पावर एन दिस इज ऑल्सो आउटसाइड। सो 0 to 1 जेड रेज टू पावर एम माइनस वन, 1 माइनस जेड रेज टू पावर एन माइनस वन डी जेड, एंड द इंटीग्रल इज नथिंग बट बीटा फंक्शन ए प्लस बी रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एन दिस इज बी एम एन। सो यही हमने प्रूव करना था, एंड दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट यू आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, यू हैव गिवन दिस इंटीग्रल एंड यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इंटीग्रल जस्ट बी एम एन। ओके, सो इफ यू रिमेंबर दैट वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन इज बी एम एन इज इक्वल टू द इंटीग्रल 0 to ∞ एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स, एंड बाय सिमेट्री दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो इक्वल टू 0 to ∞ एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स। ओके, इफ यू ऑब्जर्व द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट इन दिस इंटीग्रल दिस पोर्शन इज वट वी रिक्वायर एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन, एंड सिमिलरली यू कैन सेपरेट दिस पोर्शन ऑल्सो एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन। इट मीन्स द इंटीग्रेंड इज एज वी रिक्वायर्ड, ओके, बट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 to 1। ओके, सो प्रूव दिस रिजल्ट, बट वी डू वी स्टार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन एंड कन्वर्ट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन टू 0 to 1। ओके, सो स्टार्ट बी एम एन एज 0 to ∞ एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स। तो यहाँ इस डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया, और हमने जस्ट क्या करना है, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है इनको कन्वर्ट करना है 0 to 1 में। ओके, तो देखिए यहाँ से आप क्या करें, इसको ब्रेक कर लें 0 to 1 एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स, और सेकंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 to ∞। तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उनको हमने ब्रेक किया एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स। तो अब ये जो सेकंड इंटीग्रल है, कॉल दिस आई वन एंड कॉल दिस सेकंड इंटीग्रल आई टू। सो ये जो सेकंड इंटीग्रल आई टू है इसको हम अगेन कन्वर्ट करेंगे इसी फॉर्म में 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 फॉर्म में। ओके, तो इट मींस वी हैव टू रिवर्ट दिस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके ओके, तो टू अगर आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करना है, इंफिनिटी को हम 1 by ∞ मींस 0 में कन्वर्ट करेंगे यहां से, तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी शुड मेक, लेट आई टू इज
1 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स। तो हमने क्या करना है, ये जो इन्फिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको रिवर्ट करना है, मीन जीरो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो देखिए अगर एक्स गोज टू इन्फिनिटी देन टी गोज टू जीरो, बिकॉज अगर यहां से देखें आप टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स आएगा और टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो देन टी गोज टू जीरो एंड इफ एक्स गोज टू 1 देन टी गोज टू 1। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास यहां से 1 टू 0। अब आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर लें, डी एक्स विल बी माइनस 1 बाय टी स्क्वेयर डी टी। ओके नाउ व्हाट विल बी आई टू, आई टू विल बी द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 1 टू 0, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टी रेज टू पावर एम माइनस 1। ओके नाउ 1 प्लस 1 बाय टी बिकॉज एक्स इज 1 बाय टी रेज टू पावर एम प्लस एन, एंड व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स इज डी टी बाय टी स्क्वेयर विद नेगेटिव साइन। ओके एडजस्ट दिस नेगेटिव साइन टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन द रिवर्स ऑर्डर। ओके सो दिस विल बी जीरो टू वन। ओके नाउ 1 ओवर टी रेज टू पावर एम माइनस 1 एंड टेक एलसीएम हियर 1 प्लस टी रेज टू पावर एम प्लस एन एंड दिस टी एम प्लस एन इन द न्यूमरेटर एंड दिस डी टी ओवर टी स्क्वायर। नाउ एडजस्ट द पावर्स ऑफ टी एंड 1 plus. So what will be the powers of t in the numerator? 0 to 1 t raised to power m minus 1 because this m plus n, this m minus 1 and this 2. Adjust all these powers to the numerator. T raised to power m minus 1 divided by 1 plus t raised to power m plus n dt. Because t is dummy variable, so you can replace t by any other variable, 0 to 1. X raised to power m minus 1 over 1 plus x raised to power m plus n. Okay, dx. So if you see that the second integral is converted into this one. Okay, now you can replace the value of the second integral here. So finally we have bmn is equal to 0 to 1 x raised to power m minus 1 over 1 plus x raised to power m plus n dx plus 0 to 1 x raised to power n minus 1 over 1 plus x raised to power m plus n dx। तो हमने क्या किया, हमने ये जो वैल्यू है जो अभी हमने कंप्यूट किया इसको वापिस यहां पर पुट किया हमने। ओके द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर सेम, सो यू कैन ऐड टू इंटीग्रल्स 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन dx एंड दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर important for the examination of Delhi University, okay, because these two questions are in the course guidelines of Delhi University, so you can learn a lot from these questions, okay students, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, लेक्चर आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि लाइक अगर आप करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और एफर्ट करें, अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लेके आए। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर।